क्या होगा अब इस लव स्टोरी में? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये होगा कि अब आपका जो ये भाई है और ये ईरान जाएंगे, मतलब मैं। हाँ तो दोस्तों मैं जो है ईरान जाऊँगा बहुत ही जल्दी। अब वो आप दिखवाओ क्योंकि इसमें दिक्कत बहुत आ रही है। आपने बिल तो बढ़ा दिया बहुत तगड़ा वाला, और 15 दिन बाद ये दिक्कत आने शुरू हो गई इसमें। और अंदर बैठ के ऐसे बिल में उसे आवाज़ के कोई पैसे नहीं आए, सेंसर के तो है भैया, सेंसर कितना आवाज़ कर रहा है, जरा सा झटका लगता है सेंसर बोलने लगते हैं सारे। मेरे जो गुरुदेव हैं उनकी तपस्या जो है, जो उनकी तपस्या है वो भी प्रारंभ होने वाली है 51 दिन की, और 51 धुने यानी अग्नि के 51 धुने की तपस्या प्रारंभ होने वाली है। वही कमी आ गई इसमें, वायरिंग की दिक्कत है और अलाइनमेंट की दिक्कत है। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में, मेरा नाम दिवाकर है। और दोस्तों सबसे पहले सनातन नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज 9 तारीख है और 9 तारीख के दिन आज सनातन नववर्ष की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, शुभ प्रारंभ होता है। तो दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज 9 तारीख है और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरी जो कार है उसको मैं ठीक कराने ले जाता हूँ, और रास्ते में आपसे बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्या फाइजर इंडिया वापस आएगी या कुछ और होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कार के अंदर जब हम चलते हैं कार ठीक कराने। दोस्तों मैं आपको कार की हालत भी दिखा देता हूँ। जिस दिन से फायजा गई है ईरान वापस उस दिन से कार बिल्कुल ऐसी खड़ी है। आप देखो इसकी हालत देखो, ये देखो कितनी, मतलब धूल की इस पर हज़ारों पड़ते जमा हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे इसके पीछे के जो टायर्स हैं वो भी चेंज कराने हैं। साथ में दोस्तों इसमें क्या है, अंदर बहुत सारी आवाज़ आ रही है, जो सर्विसिंग हुई है, जब सर्विस करी है तो उसने किस तरीके से करी है उसकी भी जाके क्लास लेंगे आज। और फिलहाल आप देखो पूरी धूल में सनी खड़ी है, जैसे पता नहीं कौन से रेगिस्तान में से निकल के आई हो। दोस्तों अभी चलते हैं और कराते हैं गाड़ी को ठीक, यानी अपनी कार को हम ठीक कराते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं जो सर्विस सेंटर है जहाँ पे अपनी गाड़ी ठीक कराई थी, तो वहाँ पे गाड़ी दिखाएंगे। और दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले कि कोई नैनीताल से अगर कोई है तो भाई मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा नैनीताल आने का है और मैं नैनीताल में कैंची धाम दर्शन करूँगा, ये मैंने सोच रखी है। कोई अपना कोई फैमिली का मेम्बर नैनीताल से है तो आपसे कहूँगा कि भाई अपना ना कमेंट में अपना नंबर जो है वो दे दीजिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और नैनीताल में आके आपसे ज़रूर मिलूँगा। दूसरा दोस्तों अभी कुछ दिन में जो मेरे गुरुदेव हैं उनकी अग्नि तपस्या शुरू होने वाली है। अग्नि तपस्या जो होती है वो उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं, वो पहले से मैंने कर रखी है, जो पिछले साल अग्नि तपस्या हुई थी। इस बार जो अग्नि तपस्या होगी भाई वो 51 दिन की अग्नि तपस्या है, 51 दिन की अग्नि तपस्या है वो, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। और कल हो सकता है कि मैं गुरुदेव के पास जाऊं और आपको भी उनसे मिलवाऊं, अग्नि तपस्या के बारे में आपको बताऊं। अगर आप भी अग्नि तपस्या में सहभागी होना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो भाई रोजर पे आईडी जो है मेरी है उसमें आप अपना जो भी इच्छा अनुसार आप योगदान दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई बार मैंने कुछ कमेंट पढ़ी है तो लोग कहते हैं अरे तू तो मांग रहा है रोजर पे की आईडी से। मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई इसमें से जो भी कलेक्शन होता है, वैसे मुझे जरूरत नहीं है, जो लोग जानते हैं जो प्यार करते हैं वो भरोसा रखते हैं, क्योंकि जो भी मैंने बोला है भाई वो मैंने करके दिखाया है, वो करके मैंने पूरा किया है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी रोजर पे की आईडी में कलेक्शन होता है वो सनातन के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जिन दोस्तों को यूपीआई आईडी चाहिए तो मैं यूपीआई आईडी अगर आप कहोगे तो मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, आप कमेंट करिएगा तो यूपीआई आईडी दे दूंगा। ये सारा जो कलेक्शन है ये सनातन के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और भाई अभी तक जितना भी कलेक्शन हो गया मैं आपको बता देता हूँ, 3000 रुपये इतना ही कलेक्शन हुआ है जो रोजर पे की आईडी से आया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई लाखों रुपये आ गए हों, 3000 रुपये आए हैं, लेकिन 3000 रुपये भी सनातन के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और दूसरा फिर दोस्तों अब आ जाती है बात की भाई अब क्या होगा आगे, मतलब क्या होगा अब इस लव स्टोरी में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये होगा कि अब आपका जो ये भाई है और ये ईरान जाएंगे, मतलब मैं। हाँ तो दोस्तों मैं जो है ईरान जाऊँगा बहुत ही जल्दी, लेकिन उससे पहले ईरान जाने से पहले मैं जाऊँगा दुबई, क्योंकि दुबई में दुबई की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले दुबई क्यों जाऊँगा और ईरान बाद में क्यों जाऊँगा।
दोस्तों ये बात मैं आपको बताता हूँ, पहले हम पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर पे जहाँ पे गाड़ी हमारी ठीक होनी है। तो मैं दुबई क्यों जाऊंगा और उसके बाद ईरान क्यों जाऊंगा ये मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। पहले हम चलते हैं सर्विस सेंटर और दिखाते हैं अपनी गाड़ी और लगाते हैं इसकी थोड़ी सी क्लास, क्योंकि भाई इसने पैसे लिए हैं बहुत सारे और गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं, वही वाली जो पहले थी और कुछ और दिक्कतें भी। तो देखते हैं अभी कि ये सर्विस सेंटर वाला क्या कहता है और थोड़ी सी इसकी ली जाएगी क्लास, क्योंकि भाई जब ये पैसे बनाते हैं तब तो ये मुंह मांगे पैसे बना लेते हैं 9,000, 10,000, 20,000 और काम करेंगे ये दो कोड़ी का। तो देखते हैं अभी क्या कहते हैं सर्विस सेंटर वाले। तो भाई पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं। अब देखते हैं इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। चलते हैं अंदर जहाँ पे बैठा है मैनेजर, पहले मैनेजर से बात करेंगे। भैया बात ऐसी है कि ये 15 दिन बाद ही दिक्कत करनी शुरू कर दी गाड़ी ने। क्या दिक्कत आ रही है? इसमें सेंसर बोल रहे हैं, इसके डोर सेंसर बोल रहा है। अच्छा। और इसमें बोल रहा है आपका पीछे जो खटर पटर हो रही है हाँ। वो फिर से होने शुरू हो गई है। कुछ जैक वैक तो आवाज नहीं कर रहा है, जैक दिखवाना। अब वो आप दिखवाओ क्योंकि इसमें दिक्कत बहुत आ रही है। आपने बिल तो बैठा दिया बहुत तगड़ा वाला और 15 दिन बाद ही दिक्कत आने शुरू हो गई इसमें। और अंदर बैठ के ऐसे बिल में उसे आवाज की कोई पहचान नहीं है। सेंसर के तो है भैया, सेंसर कितना आवाज कर रहा है, जरा सा झटका लगता है सेंसर बोलने लगते हैं सारे टैं 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 टैं। दूसरा इसमें भैया गाड़ी में अंदर बैठते तो ऐसी आवाज आ रही है जैसे हवाई जहाज में बैठे हैं, इतनी तेज आवाज आ रही है। तीसरा बाहर की बदबू गाड़ी के अंदर आ रही है, ये कैसे आ रही है? जैसे किसी फैक्ट्री के सामने से निकलेंगे तो नहीं, नहीं भैया पहली बार हो रहा है ना इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे। वो ऑफ ही है अच्छा। लेकिन पहले नहीं होता था ना ऐसे कि बाहर बदबू आ रही तो गाड़ी के शीशे लगा दिए तो अंदर नहीं आएगी क्योंकि अंदर एसी चल रही है, लेकिन अब वो बदबू उसके अंदर गाड़ी के अंदर आने लगी। आपका फ़ोन भी आया था बीच में, मैं व्यस्त था, मैंने उठाया उठा नहीं पाया। देखो इसमें भैया ये देखो, चलो ठीक है डोर। दूसरा इसमें सेंसर, जैसी झटका लगता है गाड़ी में सेंसर बोलने लगते हैं टैं 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 टैं, ठीक है। तीसरा इसमें जो गाड़ी के अंदर बदबू कैसे आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, बाहर की बदबू गाड़ी के अंदर आ रही है जैसे बाहर किसी फैक्ट्री से निकले, अंदर एसी चल रही है नहीं आनी चाहिए लेकिन गाड़ी के अंदर बदबू आ रही है। जो बटन होता हाँ वो बंद रहता है वो तो मुझे पता है, और गाड़ी में अंदर ऐसी आवाज आ रही है जैसे हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, बहुत तेज आवाज आ रही है। और पीछे जहाँ वो सीट है पीछे से आवाज आ रही है टन 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 टन, मतलब 15 दिन बाद ही ये दिक्कतें शुरू हो गई थी। तो भाई फिर से वही कमी आ गई इसमें, वायरिंग की दिक्कत है और अलाइनमेंट की दिक्कत है। तो भाई गाड़ी अपनी जो कार है वो ठीक हो चुकी है, सेंसर भी ठीक हो गए हैं और जो आवाज़ आ रही थी इधर उधर से वो भी ठीक हो गई है, और इसमें मेरे पैसा ही नहीं गया एक भी रुपया। और साथ में उन्होंने गाड़ी जो है अंदर बाहर से साफ करके भी दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ बढ़िया एकदम, गाड़ी बहुत सही हो गई है, अब बाहर से भी दिखाऊँगा, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें मुझे लग गए यार 3 घंटे लग गए जब से मैं सर्विस सेंटर पर था। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ कि मुझे जाना होगा दुबई और दुबई से जाना होगा मुझे ईरान, क्यों ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों बात ऐसी है कि पहले मैं नहीं जा रहा था दुबई, लेकिन जो फायज़ा हैं उनके एक अंकल हैं वो दुबई में रहते हैं, जहाँ से हमें कुछ लीगल प्रोसेस कंप्लीट करना है तो वो अंकल से हमें कुछ जो है एक तरीके से सलाह लेनी है। तो फायज़ा भी दुबई पहुंचेंगी और हम भी दुबई पहुंचेंगे, तो जब दुबई जाऊंगा तो फ़िलहाल अभी तो बहुत सारी प्रक्रिया है बीच में, काफ़ी दिन हैं और इन दिनों के बीच में मैं चाहता हूं कि मैं जो है नीम करौली धाम जाके एक बार दर्शन कर लूं, एक बार आशीर्वाद ले लूं। दूसरा गुरुजी की, मेरे जो गुरुदेव हैं उनकी तपस्या जो है, जो उनकी तपस्या है वो भी प्रारंभ होने वाली है 51 दिन की, और 51 धुने यानी अग्नि के 51 धुने की तपस्या,
प्रारंभ होने वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये जो चीज थी मैं आपको बताना चाहता था। और एक चीज और है दोस्तों इसमें, कि मैं फिर से कहूंगा भाई कि अगर आपने जो भी ये सनातन का कार्य अग्नि तपस्या जो होती है ना भाई, अगर आप पढ़ोगे और जो सनातन की जो है, जो सनातन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो तपस्या चैत महीने में होती है, जब सनातन नववर्ष शुरू हो जाता है तो तपस्या शुरू हो जाती है। और तपस्या का मकसद ये होता है कि देवताओं से आशीर्वाद लिया जाए, और यहाँ तक कि सिर्फ सनातन की नहीं पूरे विश्व की कामना के लिए तपस्या की जाती है। और जो भी इस तपस्या में सहभागी होते हैं, तो आपने अगर देखा हो तपस्या की वीडियोस, तो उसमें परिक्रमा लगानी होती है, जब गुरुदेव जो हैं बीच में बैठे होते हैं, यानी कि उस टाइम वो ध्यान में होते हैं और चारों तरफ अग्नि के जो धुने हैं वो जल रहे होते हैं, तो लोग उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, तो वो होती है अग्नि तपस्या। तो ये कल्याण के लिए होती है, जगत कल्याण के लिए होती है तपस्या। और ये बहुत हरियाणा की तरफ भी होती है, दूसरी तरफ भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है, यानी हमारे क्षेत्र, यानी हमारे 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर के क्षेत्र में इतनी बड़ी तपस्या ना पहले हुई है और ना पहले किसी ने सुनी है। तो ये सिर्फ गुरुदेव कर रहे हैं। अगर आप इसके सहभागी बनना चाहते हैं, इसमें कुछ भी अपना जो है सहयोग अदा करना चाहते हैं, तो भाई UPI ID अगर आप मुझसे कहेंगे तो कमेंट करिएगा, तो ही मैं आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों इसमें एक चीज और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो है नीम करौली धाम जाने का है, और इस बीच में मैं जाऊंगा, तो जो भी भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी भाई नैनीताल से है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कमेंट करिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, मैं खुद उन्हें कॉल करूँगा अपने पर्सनल नंबर से। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है मैं आ गया हूँ एक ATM पे, पैसे निकालते हैं और उसके बाद पहुँचते हैं घर, और फिर मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से गाड़ी कैसी हो रही है, बाहर से अपनी कार कैसी लग रही है। तो भाई घर पहुँच गए हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी जो है बाहर से। बाहर से गाड़ी पूरी चमचमा रही है, ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, ये भाई पूरी एकदम फैन मार रही है गाड़ी, बढ़िया हो गई। यहाँ से देखो यार, ठीक है। तो भाई गाड़ी अपनी चमक गई है, क्योंकि अगर मैं नैनीताल गया तो मुझे अपनी गाड़ी से जाना है, तो गाड़ी को रखना पड़ता है यार, तरीके से रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत खर्च भी करना पड़ता है, खर्च करेंगे तभी गाड़ी जो है लंबी चलेगी, और ये तो अभी नहीं है। फिलहाल दोस्तों जो बात मैंने आपसे कही है वो आपको ध्यान रखनी है, नैनीताल से कोई भाई हो तो मुझे कमेंट कर दे, और अगर अग्नि तपस्या के लिए कोई भी अपना योगदान देना चाहे वो योगदान दे। रोजर पे की आईडी है, UPI की आईडी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और दोस्तों आपको अगर गुरुदेव के धाम का एड्रेस चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको एड्रेस दूंगा। और दोस्तों जैसे ही मैं दुबई के लिए जाता हूँ और दुबई से ईरान जाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।